चुनाव के समय जेल में बंद राम रहीम को बेल मिलने को लेकर अब विवाद बनने लगा है। ऊपर से राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में जाने और राम रहीम का आशीर्वाद लेने पर मामला और भी ज्यादा गर्माने लगा है। मगर इस बीच सीएम मनोहर लाल से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने राम रहीम पर कोई भी स्टेटमेंट देने से बचते हुए सारा मामला कोर्ट पर छोड़ दिया। जब सीएम मनोहर लाल से पूछा गया कि राम रहीम को चुनाव के समय ही फरलो और पैरोल पर क्यों और कैसे आता है, तो सीएम ने कहा कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जेल के अपने नियम है, उसके आधार पर बेल अप्लाई की जाती है। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है वो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हाँ इसको पेश करो जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम है, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है देनी है नहीं देनी है, इसमें कोई मतलब नहीं है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल हरियाणा के भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनसे राम रहीम मामले को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान सीएम ने बीजेपी नेताओं द्वारा राम रहीम का आशीर्वाद लेने पर भी सवाल किया गया, लेकिन सीएम ने उस मामले में भी यही कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।